तो ये कन्नौज में ये इत्र कैसे बनता है, यहाँ पे हम देखो ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे इत्र ऐसे बनता है, इत्र तैयार किया जा रहा है। ये इत्र ये डब्बे टाइप के लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ के कोई जो रहने वाले हैं, मैं उन्हीं से पूछते हैं एक बारी, तो कैसे बनता है ये, कितने टाइम लगता है, कैसे बनता है एक बार इनसे पूछते हैं, इनके किसी बंदे से भी बात करते हैं। ये ऐसा है कि यहाँ पे इत्र बनता है, तो आप देख पा रहे होंगे इत्र बन रहा है। तो भी भैया को एक बुलाया कि वो अभी बताएंगे कि इत्र कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। तो ये रहा कन्नौज का इत्र, यहाँ पे बनता है इत्र। हम आपको बैक कैमरा से दिखा रहे हैं कि देख लो किस तरीके से बनना है, इसमें जा रहा है तो भैया ये कैसे तैयार होता है इत्र यहाँ पे। तो पहले जो है डेढ़ महीना भरत है मेहंदी फूल, फिर जो है पानी उसमें डाल, पानी डाल के फिर चोंगा लगाओ, फिर बक्का जोड़ पानी में। यहाँ तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर से इसमें इत्र आएगा, उसमें फूल डाल देंगे, फूल डालने के बाद इसमें इसमें आएगा, फिर इसको निकाल के क्या करेंगे, आपको कैसे तैयार होगा। अच्छा वो कैन में भरेंगे तो वो इत्र तैयार होगा। तो कितना टाइम लग जाता है इसे आने में, इसमें भरने में, इसको 2 घंटे इतना तैयार। भैया ने बताया कि इसमें फूल बड़े जाते हैं, फिर उसको आग के नीचे रखा जाता है, फिर उसके बाद में इसके जो जॉइंटर लगा हुआ उसके अंदर आ जाता है, इत्र तैयार हो जाता है। कच्चा माल, कच्चे माल को फिर पक्का माल किया जाता है, फिर इत्र तैयार होकर वो मार्केट में हम लोगों को मिलता है। तो आज का ब्लॉग हम दिखाने वाले थे जयचंद का किला, और अभी गौरी शंकर मंदिर भी बोलिए, इत्र के बारे में भी जान लिया थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जानकारी, और अभी हम जयचंद के किले पर चल रहे हैं।